भाई देखो केकरा भी मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई केकरा, मैं लाइफ में पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। ये अक्टूबर से भाई देख लो, पैर गिन लो, पता चल जाएगा भाई। देखो अक्टूबर से यहाँ गुलाब का पड़ जाएगा 5,000 रुपया पड़ेगा। 5,000 रुपये का। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ दीघा में और भाई अभी रात के समय हो रहा है और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ भाई दीघा का नाइट लाइफ। भाई दीघा में आया हूँ, समुंदर में आया हूँ और समुंदर का मछली ना देखे ऐसा कभी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को दीघा में कैसा नाइट लाइफ रहता है, कैसा रात को चकाचौंध रहता है वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी आ रहे हो तो रात को कैसा माहौल देखने को मिलेगा वो इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो वीडियो को भाई एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भाई अभी जो है फिलहाल मैं हूँ समुंदर के पास। भाई ये देखो ये दीघा जो बीच है, बीच के पास वाला जो भाई स्टेट लाइन है भाई, इसमें आप ऐसे चल सकते हो। बाकी ऐसे कुछ बैठ के भाई जो कि शाम को मस्त हवा आ रहा है वो उसका हवा का फील ले सकते हो। ऐसे पूरे जो रास्ते में भाई लाइट लगा हुआ है तो पूरे रास्ते में आप शाम को वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो। बाकी जो है यहाँ पे बैठ के जो शाम को है ठंडी ठंडी हवाएं आ रहे हैं वो ले सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारे फिश के दुकान है भाई, हर तरह का आपको फिश मिल जाएगा यहाँ पे। ऑक्टोपस भी मिलता है, केकड़ा भी मिलता है, तो सब कुछ दिखाऊंगा। और आज मैं भाई कुछ तो ट्राई करूँगा, वो सीक्रेट है क्या ट्राई करूँगा आपको बाद में वो पता चल ही जाएगा। तो ऐसा कुछ रहने वाला है माहौल रात को। देख रहे हो भाई लोग ऐसे बैठे हैं साइडों में, भाई ठंडी ठंडी हवा आ रहा है और सामने ही है समुंदर, बड़ी मस्त मस्त लहरें आ रहा है अभी शाम को। और ऐसे दोनों साइड में आपको दुकानें वगैरह मिल जाएगा। बाकी जो है अभी आपको फिश दिखाता हूँ, पहले फिश की काफ़ी सारा दुकान है यहाँ, पूरा मार्केट लगा हुआ है रात को, तो मार्केट कैसा रहता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। भाई हर चीज़ शॉपिंग भी कर सकते हो भाई, फिश खा सकते हो। उसके बाद आपको खाने पीने का बहुत सारा दुकान मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, वो सब कुछ इस वीडियो में दिखेंगे भाई, और जुड़े रहिए एंड तक। तो भाई अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की फ़िश मार्केट रात को, जो भाई फ़िश फ्राई जो कि तंदूरी में सेक के, आग में सेक के जो मछली वगैरह क्या क्या मिलता है वो मैं दिखाता हूँ। भाई देखो यहाँ पर दुकान है भाई, ऐसे कई सारा दुकान आप लोगों को मिल जाएगा। देखो भाई कई सारा दुकान ऐसे आप लोगों को मिलेगा जो कि फ़िश है यहाँ पर, चिकन वगैरह है। ये देखो भाई यहाँ पे ये केकरा, ये केकरा है। ये कौन सा मछली है भैया, ये वाला भांगड़ा मछली है। भांगड़ा भाई देखो कई सारा मछली है, मेरे को खुद नहीं पता है कौन कौन सा है। देखो ये पॉम्पलेट है, ये इलिश है ना भाई, ये इलिश हो गया। उस ये कौन सा मछली का पीस है, चीतल मछली है। चीतल भाई यहाँ देखो ये है ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है यहाँ पे। ये कितना प्राइस है ऑक्टोपस का, एक 150 है, 180 है, 200 है। अच्छा 150 180, मतलब भाई ज़्यादा रेट भी नहीं है। और यहाँ पे आपको झींगा मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगा और फिश की वैरायटी। केकड़ा कितने का है, केकड़ा 80 रुपया पीस है। अच्छा 80 रुपया पीस। अच्छा मतलब इसको मतलब तंदूरी में सेक के दे दोगे तेल में भैया, इसको तेल में फ्राई करते हो कि तंदूरी में। ये देखो भाई केकड़ा 130 भाई। देखो केकरा भी मिल रहा है यहाँ पे, तो आज तो भाई केकरा ट्राई करेंगे, देखते हैं अभी पूरा मार्केट घूमते हैं फिर। साइड में भी यही दुकान देखो, इधर भी है इधर भी है, बाकी सब में भाई एक ही आइटम मिलेगा, सारा आइटम सिमिलर ही है ना भैया, जो उनमें इधर भी हुई है प्राइस। ये छोटा वाला अक्टूबर कितने का है, 70 रुपये का। अच्छा 70 रुपये का, 180 का है। अच्छा बड़ा वाला 180 रुपये, भाई 180 रुपये में आपको ऑक्टोपस मिल रहा है। ये देखो भाई कौन सा मछली है, इसका पीस कितना है, देखो भाई कितना बड़ा पीस है ये। और ये फिश का ये भी पीस है, यहाँ पे झींगा मछली है। और ये कौन सा मछली है भैया, ये वाला मरोना मछ, भाई पता ही नहीं कैसे कैसे नाम है भाई। देखो फिश के ऑप्शन, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं ना तो ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। देखो भाई रास्ते में आपको देख रहा है ऐसे होम डेकोरेशन, ज्वेलरी का सामान, लड़कियों के सामान की दुकान, मतलब भरे पड़े हैं यहाँ से। और खाने पीने के लिए दुकान भी बहुत है, क्योंकि इधर भी सेम वैसे फिश की दुकान है। देखो भाई सेम फिश की दुकान। भैया केकरे कितने का है, भैया केकरे कितने का है, बड़े वाले ये वाला 100 रुपया।
100 रुपया ये बड़े वाले 100 रुपया है, और छोटे वाले पीस 100 रुपया, 150 रुपया, और अक्टूबर 200 रुपया। भाई ऐसा कुछ रेट है यहाँ पे। बाकी सारा देखो चिकन नॉन वेज वगैरह ये सब देखो, झींगा ये पता नहीं कैसी मछली है, इधर पॉम्पलेट 200 का है, 100 का है, 150 का है। ये अक्टूबर से यहाँ पे, और देखो ये केकड़ा है ना, ये केकड़ा है बॉम्बे पीस, इसको लोटे बोलते हैं भाई, खाते ही DSLR फोकस ओल्ड दिखा क्लियर। भाई साहब ये देखो अक्टूबर से यहाँ मुर्गी टांगा हुआ है, इसमें पूरा फिश ही फिश है भाई, ये फिश फ्राई मिलते हैं। और यहाँ पे देखो ये सारा केकड़ा टांगा हुआ है, और यहाँ पे झींगा मछली है, बड़े वाले झींगा है, बाकी ऐसे कुछ है भाई, दुनिया भर की दुकान है ऐसे फिश की, और भी मैं कई सारा दुकान है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई फिश बहुत है यहाँ पे, ये देखो ये वाला फिश बड़ी मस्त है। भाई मैं आप लोगों को बता रहा था ना आज कुछ खाने वाला हूँ मैं अलग, तो क्या खाने वाला हूँ भाई ये देखो, ये आज ट्राई करने वाला हूँ मैं पहली बार। भाई आज से पहले मैं कभी ये चीज़ ट्राई नहीं किया केकड़ा, एक बार खाने के लिए गया था लेकिन वहाँ पे मिला नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे मिल गया फ्रेश फ्रेश केकड़ा भाई, तो यहाँ पे मिला है फ्रेश केकड़ा, तो भाई आज मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो प्राइस है ना, ये देखो ये छोटे वाले जो है थोड़ा सा ये 40 रुपये का, ये बड़े वाले 80 रुपये का, तो यही मंगाया मैंने, अभी खा के देखते हैं भाई कैसा स्वाद रहने वाला है, कैसा टेस्ट रहने वाला है। बाकी ऑप्शन तो काफ़ी सारा है लेकिन मेरे को आज यही खाना था, तो अभी बन रहा है इधर, दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। तो पहले इसका भाई जो मसाला मतलब जो जो निकालना है वो निकाल रहा है, बाकी यहाँ पे तेल में फ्राई होगा। ये भाई आ गया हमारा केकड़ा, अब यहाँ पे मसाला लगेगा, मसाला लग के भाई तेल में ये फ्राई हो जाएगा। तो भाई देखो काकड़ा आ चुका है मेरी प्लेट में, और इसको ट्राई करते हैं। ये देखो भाई, ये देखो भाई केकड़ा, मैं लाइफ में पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। यही यार फिश जैसे है, मतलब तो अभी बुरा नहीं है, हर चीज़ ट्राई करना है। इसकी दांत देखो भाई की दुकान में क्या क्या मिलता है भैया बताएगा भैया, ये गोमुखी सौंख को बोलते हैं, गोमुखी सौंख। अच्छा इसका प्राइस कितना है? ये आपका 1600 रुपये पड़ेगा। जो 1600 रुपये पड़ेगा भाई, और कुछ दिखाइए। अच्छा ये बसता है ना? बसता है, बजा के दिखाइए एक बार, ये भी बसता है। ये इसी समुंदर का है क्या? और ये देखो ये और एक बड़ा है भाई, ये कितने का है? बला आपका पड़ जाएगा 5000 रुपये पड़ेगा, 5000 रुपये का। भाई देखो ये संग 5000 रुपये का है भाई, भारी भी है यार बहुत ही ज़्यादा, जब इसको भी बजा के दिखाएगा भैया देखना, बहुत तेज बजता है ये। भाई देखो ये शौक से अगर कोई लेना चाहे तो ये ले सकता है घर के लिए, 5000 की है। वैसे तो छोटे छोटे भी है ना, ऐसे बड़े वाले कौड़ी बोलते हैं, कौड़ी कौड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा। पूजा करने के लिए होता है। अच्छा किस चीज़ का पूजा करने के लिए? हा? किस चीज़ का? समुद्र का झील पे। अच्छा तो ऐसे कई आइटम मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मोती संघ। मोती संघ, मोती संघ ना भाई, देखो ये है मोती संघ, ये भी बसता है। बसता है, इसको बजा के दिखाना,
भैया अगर भाई अगर संघ वगैरह लेना है ओरिजिनल प्योर तो आना पड़ेगा कहाँ पे? माँ विष्णु प्रिया संघ भंडार न्यू दीघा पे। भाई भैया एड्रेस बता दिया, वहाँ पे आ जाइए भैया की दुकान में, तो बहुत सारा आपको वैरायटी मिल जाएगा, आप ले सकते हो यहाँ पे। ये लच्छा पराठा, और यहाँ पे भाई खाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि भाई ये कसा हुआ चिकन है, चना है, आलू कश्मीरी आलू, चिली चिकन, पनीर है, अंडा करी है और दाल फ्राई है। भाई दादा बोलो बोलो बोलो, ये भी खाना वाना खाएंगे अभी। 10 रुपया पीस खाना खाने के लिए। भाई देखो पराठा जो है ये 10 रुपया पीस है, और खाने के लिए चिकन वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे ऑप्शन, तो यहीं पे खाना खाएंगे, रात के जो डिनर है यहीं पे करेंगे। बड़े ऐसे तो बहुत सारा होटल है यहाँ पे खाने के लिए, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन है। चावल वगैरह खाओगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा चावल वगैरह, और ये चीज़ कुछ ऐसा है। तो भाई ये देखो कसा हुआ चिकन मंगाया मैंने, 2 पीस जो आया भाई, हाफ प्लेट 50 रुपीज़ का। और ये देखो ये भाई जो तोड़ फोड़ वाला पराठा है 10 रुपये का है भाई, कितना सा छोटा है, 10 रुपये का एक पराठा है। और ये है तो खा लेते हैं भाई, चिकन को देख के लग तो रहा है कि चिकन का स्वाद होने वाला, तो खा के फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसा है ये। बाकी वहाँ पे जो हम केकरे खाए थे भाई, केकरे तो एक नंबर बनाए थे भाई, केकरे खा के तो मज़ा आ गया भाई। वहाँ पे जो मैंने होटल दिखाया ना आबार खाबो, वो होटल में जो खाना खाने बैठा था भाई, यार खाना खाने जाओगे तो आराम से ही तो खाना खाओगे ना भाई। वहाँ पे एक लेडीज़ तक कह रहा भाई जल्दी खाओ जल्दी खाओ, मतलब यार बिहेवियर इतना बेकार लगा कि क्या बताऊँ यार। खाना खाने गए तो बंदा आराम से तो खाना खाएगा, मतलब इतना बेकार था भाई। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसी होटल में कभी भी, मतलब। तो भाई ये था जो है भाई दीघा का नाइट लाइफ, मैंने सारा कुछ घूमा आप लोगों को दिखाया, ऑफिस वगैरह, मार्केट वगैरह, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, ये सब चीज़ मैंने दिखाया इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं विराज मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।